हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं हैं। होली स्वरात भाईचारे के साथ में सभी लोग मनाएं, हमको ये खुशी है। और भगवान और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी रामनवमी है और रमज़ान है, ईद है, सभी लोग जैसे पहले मनाते थे, हसनपुरा भाईचारा का यानी कि प्रतीक है, वैसे ही आगे भी मनाते रहें मिलजुल के। ये आपके चैनल से हमको सभी जनता से यही कहना है। देखा जा रहा है कि यहाँ पे समस्याएं बहुत है और अभी अभी नया नगर पंचायत ये बना हुआ है, तो क्या लग रहा है जनता जो यहाँ के है, अभी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है, मुद्दा पे वोट की है जाति मजहब से ऊपर उठकर, तो यहाँ के भी जनता मुद्दा पे वोट करेगी जाति मजहब से? हमारी जनता, हमारे नगर पंचायत की जनता सभी बहुत सूझ और बूझ से काम लेते हैं, हमेशा जाति पाति को पीछे छोड़ काम और व्यवहार और भाईचारे के ऊपर यहाँ वोट होता है और आगे भी उम्मीद है यही होता रहेगा। एक चीज़ है कि देखा जाता है कि नगर पंचायत के जो जनता होती है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना होता है देहात का अपेक्षा, तब यहाँ के भी लोग ज़्यादा टैक्स देंगे, तो क्या उसके हिसाब से उनको सुविधाएं मिल पाएगी? वैसा ज़रूर मिलेगी, सुविधाएं तो मिलना ही है, जब व्यवस्था बढ़ेगा हर तरह से गवर्नमेंट का यानी कि फैसिलिटी आएगी तो संभाविक है कि व्यवस्था बढ़ेगा तो सुविधा मिलेगा ही। अभी तो नया नगर पंचायत ही हुआ है, आगे जैसे भी सरकार का फंड आएगा, जो भी जनप्रतिनिधि जीत के जाएंगे, तो उम्मीद है कि सब अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रही हैं? मेरा मुद्दा रहेगा विकास, भाईचारा, अमन, यही मुद्दा मेरा रहेगा कि सब लोग मिलजुल के हमेशा जैसे रहते थे वैसे ही रहते रहें। देखा जाए तो एक नगर पंचायत के जो मुख्य जो कार्य होते हैं उसमें हो गया साफ सफाई, नाला, डस्टबिन और यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, अच्छा पानी, तो ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करा पाइएगा अगर यहाँ से आप उपसभापति बनते हैं। हर संभव कोशिश की जाएगी, जहाँ तक हम लोग का होता है वहाँ तक, यानी सरकार के अलावा भी हम लोग खुद से किसी ज़रूरतमंद को यानी कि हम लोग हर तरह से हेल्प करते हैं, हर तरह से उसके साथ रहते हैं, एक जात पात कुछ उसमें यानी कि बीच में नहीं आता। देखा जाए तो इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं सभापति उपसभापति का, तो उसमें जनता शामिल नहीं हुई है, जनता के द्वारा चुने गए जो वार्ड पार्षद लोग होते थे वही लोग सभापति उपसभापति बनाते थे, लेकिन इस बार जनता से इसको डायरेक्ट जोड़ा गया, तो सरकार का कैसा पहलू है ये? बहुत बढ़िया है, ये है बहुत बढ़िया है। पहले जो होता था उसमें धांधली तरह तरह के होते थे, अब जनता ही चुनेगी और जो भी चेयरमैन उप चेयरमैन होंगे उनको ये तो कम से कम रहेगा कि जनता हमको वोट दी है तो जनता फिर हमसे हिसाब भी लेगी। क्योंकि पहले देखा जाता था कि पैसा के बल पे चुनाव लोग जीत जाते थे और कार्य नहीं होता था, और देखा जाए तो तीन तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में तीन व्यू से आते हैं, कुछ लोग आते हैं बिजनेस व्यू से, जो आज 20 लाख रुपया लगाएंगे कल 40 लाख लूटेंगे, और दूसरा होता है कि वो बेरोजगार हैं, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए 5 साल के लिए रोजगार तलाशते हैं, और तीसरा होते हैं समाज सेवा व्यू से। तो किस व्यू से आप आए हैं चुनाव में? हम लोग तो शुरू से ही अगर रोजगार और कमाने के व्यू से आए होते हैं, बिजनेस के व्यू से, तो जो आते होंगे आते होंगे, हम लोग शुरू से ही राजनीतिक में हैं और उसरी पंचायत से यानी कि 3-4 बार हम लोग चुनाव लड़ चुके, थोड़ा थोड़ा वोट से हम लोग 2 नंबर पे हसनपुरा में मेरा घर होते हुए भी उसरी पंचायत के हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ से इस बार सरपंच से जीते भी हैं। अगर हमको मलाईदार पद चाहिए था तो हम मुखिया से ही फाइट करते, पिछले बार हम मुखिया से थोड़ा ही वोट से हारे हैं, तो मुखिया से ही लड़ते हैं, लेकिन हमको समाज सेवा करना है, समाज की उन्नति के लिए काम करना है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, इस पे काम करना है हर तरह से, यानी कि पब्लिक को फायदा हो। तो उसमें हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा, जो भी ये नगर पंचायत के अंतर्गत जो जनता आती है उन जनता से क्या अपील कीजिएगा? हमारे आपके चैनल के माध्यम से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जात पात और से ऊपर उठ के विकास और जो उस लायक हो, चाहे जो भी हो, हम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी हो, जो जनता को लगे कि हाँ हर कसौटी पे ये खड़ा उतरेंगे, उसको वोट यानी कि ईमानदारी से दें और भारी से भारी मतों से जिताए कि उसका मनोबल बढ़ा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।